वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, अगर कम व्यूज आते हैं तो आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है उसको कैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने व्यूज की जो रीच है उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। मैंने भी काफ़ी अपनी वीडियो जो रैंक हुई है इसी तरीके से उनकी रीच बढ़ाई है, यानी कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, सब्सक्राइबर बढ़े हैं और काफ़ी मुझे इस चीज़ से सब्सक्राइबर भी मिले हैं और मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी रैंक हुई है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो VQ एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपनी वीडियो को सर्च में ला सकते हैं और साथ ही आपके व्यूज़ को वीडियो में कैसे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। अगर आप किसी चीज़ पर वीडियो बनाते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी वीडियो का जो सर्च वॉल्यूम है, यानी कि कौन सी वीडियो यूट्यूब पर या गूगल पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च होती है, हम कैसे पता करें। तो आप यहाँ पर VQ एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, आप उसको डाउनलोड करके आपकी वीडियो के सब्सक्राइबर व्यूज और आपकी वीडियो को अच्छे खासी जो सर्चेबल है ऐसे टॉपिक ढूंढ करके उसको सर्च में आराम से और आसानी से ला सकते हैं। पहले आप मेरी यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे, ये मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो है जो सबसे ज़्यादा जिस पर फर्स्ट बार में मैंने वीडियो जब अपलोड करी थी तो VQ जो एप्लीकेशन है उस पर ही मैंने सर्च किया था, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। तो इस पर मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिले, व्यूज़ भी लगातार बढ़े, इससे मेरा जो चैनल है थोड़ा अच्छा काफ़ी रिजल्ट आया है और ग्रो करने में उसको आसानी मिली है। तो आप भी अगर कोई सी वीडियो बनाते हैं या टॉपिक या यूट्यूब पर आपने काम करना स्टार्ट किया है तो VQ जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड करके आपकी वीडियो के जो सब्सक्राइबर हैं व्यूज़ हैं उसको आसानी से और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि हमको इसको यूज़ कैसे करना है ताकि हमारी जो वीडियो पर है व्यूज़ अच्छे आएँ, सब्सक्राइबर बढ़े और हमारी वीडियो भी सर्चेबल हो, यानी कि सर्च में जाए, एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर पर ज़रूर आए। अब आप ये ध्यान रखिए कि आपने एक बार करा, दो बार करा, हो सकता है कि वीडियो आपकी रैंक नहीं करे, लेकिन आपको लगातार इसमें काम करते रहना है तभी आपकी वीडियो सर्च में आएगी और आपके उस पर व्यूज़ बढ़ेंगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से मैंने अपना जो YT स्टूडियो ओपन किया है, ये वाली वीडियो थी, ये काफ़ी अच्छी रैंक हुई थी, इस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर और व्यूज़ आए थे। तो VQ है एप्लीकेशन, आपको इस तरीके से आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपनी वीडियो को सर्च में ला सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप आपकी वीडियो में रैंक करा सकते हैं। आप 2 से 4 बार मेहनत करिए, आपको इसका रिजल्ट भी बिल्कुल अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो नए नए अभी जिन लोगों ने YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो आप उस तरीके से आपकी वीडियो को रैंक में ला सकते हैं। तो सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं, हम हमारी अपनी जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।